वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अभी मुझे दो पार्सल मिले हैं, तो चलिए ओपन करते हैं हमारा पहला छोटा पार्सल। चलिए देखते हैं हमारे छोटे से बॉक्स में मुझे क्या मिला है। देखते हैं बड़ा बैंगा है। हम इधर भी दिख रही हूँ, मैं इधर भी दिख रही हूँ और आगे भी दिख रही हूँ। అడ్డం కదారా అంతా ఎట్లా డ్రెస్ దిగ हम आए हमारे बेबी के लिए शॉप करने के लिए। ओहो क्यूटी क्यूटी से ड्रेस है। बोला अच्छा है ना। हाँ बेटा ट्राई करेंगे कौन ट्राई कर दिखा दिखा इधर। मम्मी वो टाइम की दिखाई है ना। ये अच्छा है मन्ने तुझे रख को दिखा। देखो ये अच्छा दिख रहा। ये बड़ा है सुनो सीधा रख सीधे से रख ऐसा। ये हट अच्छा है देख। मम्मी ये मंजे इसे मुझे बहुत पसंद आया लेकिन ये 14 इयर्स का है। ट्रायल रूम Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own. गाइस देखिए मैंने इधर 1 किलो मटन लिया है, उसमें टर्मरिक थोड़ा सॉल्ट और चिली पाउडर डाला है। अभी हम डालेंगे ऐड करेंगे इसमें पुदीना लीफ, इसके बाद अभी हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक, फिर हमें उसमें भी डालना है। अभी सिर्फ मैरिनेट के लिए हम इतना डाल रहे हैं। Oh.
इतना फुल कर्ड हो चुका है, अच्छे से मैरिनेट करके रख देंगे। बाद हम डायनामिक लीव्स डालेंगे और नीम लीव्स। देखिए 1 आवर अगर नहीं तो 1/2 आवर हम मैरिनेट करके रख देंगे। ये हमारा फर्स्ट स्पाइसेस डाला है, उसके बाद ऑनियन, उसके बाद थोड़ा सा पुदीना डाला हुआ है। अच्छे से हम इनको गोल्डन ब्राउन करने तक भुनेंगे अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा बहुत ये ब्राउन हो रहा है स्टार्टिंग में, देखो ऐसा पकड़ लो। हाँ देखिए ऐसा बराबर है, देखिए फ्रेंड्स मम्मी ने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है। हमने मटन में भी थोड़ा ऐड किया हुआ है इसलिए इधर थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं। अच्छे से भूनना है इसको हम। अभी जिंजर गार्लिक अच्छे से पक चुका है, अभी हम ऐड करेंगे टमाटर। मम्मी लेकर आ रही है टमाटर। टमाटर ऐड हो चुके हैं फ्रेंड्स, देखिए फास्ट फूड फ्रेंड्स। अब हमारे डैडी कुक कर रहे हैं बिरयानी का मसाला। ये कुक होने के बाद हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिए इधर अच्छे से पकाना है, पापा पका रहे हैं। हाँ मटन ऐड करने के बाद थोड़ा सा चिली पाउडर डालिएगा, सॉल्ट डालिएगा और ग्रीन चिली डालिएगा टेस्ट के लिए। हाँ हाँ गाइस यहाँ पे ना मैंने कुकर चेंज किया हुआ है बिकॉज मेरा वो कुकर में थोड़ा प्रॉब्लम था तो मैंने इसको बड़े से कुकर में शिफ्ट किया हुआ है। तो अभी इसको मैं 2 या 3 विसल में चढ़ाऊँगी। यहाँ पानी में ना पुदीना और सॉल्ट डाल के अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चावल। पक रहे हैं गाइस, आप लोगों को बहुत केयरफुल रहना है इधर। चावल ओनली 75% ही बॉयल होना है, अदरवाइज़ हमें चावल 75% बॉयल करके और 25%। गैस हमारी अपनी अच्छे से रेडी हो गई है बिरयानी का। देखिए मटन भी हमारा बॉयल हो चुका है अभी। हाँ मटन भी बॉयल हो चुका है, अभी हम इसमें धनिया डाल के चावल पक रहा है, चावल पकने के बाद ऐड कर देंगे बस। गैस अभी हमारा चावल पक चुका है, हाँ बस इतना ही। पानी को चावल से अलग कर चुके हैं, अभी हम ऐड करेंगे ग्रेवी में। अभी हम हमारे जो ग्रेवी है नीचे, ग्रेवी नीचे रहेगी, हम ऊपर में चावल डालेंगे। सुनो फिर कवर कर लेंगे। देखो हम पर ग्रेवी डाल रही है। ऐसा भी हमने नीचे हमारा ग्रेवी है, ऊपर हमारा चावल है। अभी जो थोड़ा सा हमने ऑयल इधर बचा के रखा था वो हम डालेंगे ऐसे, ठीक है। देन हो जाएगा पुदीना, हमने इसको स्टीम करना है। जो पुराना तवा रहता है वो तवे के ऊपर हमें इसको रखा है और क्लोथ में अच्छे से हम इसको क्लोज करके रख देंगे। और जो हमारा पानी हमने निकाला था गर्म वाटर वो हम इसके ऊपर रखेंगे। अभी दम होने का दम बिरयानी, अब इसको इसी को बोलते हैं हम दम। अब ये दम होगा, ओके 25% हमारा चावल इसमें बॉयल होगा। अभी ओपन करने चलते हैं,
20 मिनट्स हो चुका है, तो लेट्स सी। हाँ, गरम गरम है बहुत। हमारी बिरयानी कैसी पकी है? वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। देखिए गाइस, देखिए अच्छा पका है ना। इसे बोलते हैं हैदराबादी दम बिरयानी। देखिए गाइस, ये खा के ही मेरे हस्बैंड फिदा हो गए थे मेरे ऊपर। उनको ना मेरी कुकिंग बहुत पसंद आती है। जब भी हमारा झगड़ा होता है, मैं अच्छे से कुछ ना कुछ डिश बना दूँ तो पूरा सॉर्ट आउट हो जाता है। क्या लगा आपको, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, जैसा मैंने बोला है वैसा बनाइएगा, बहुत अच्छा बनेगा। ओके, ये मटन, ओके सॉरी, ये मटन है इसीलिए हमें विजल पे मैंने रखा था। अदरवाइज चिकन के लिए इतना लंबा नहीं होगा। चिकन के लिए यार 10-15 मिनट्स में चिकन बॉयल हो जाएगा, सेम प्रोसेस है। ओके, अगर आपको बिरयानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिएगा। हाँ हाँ गाइस, और एक बात बोलना चाहती थी, मैं भूल गई। कभी भी ना बासमती राइस आप अच्छा लीजिएगा। और ना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने डी मार्ट से लूज़ वाला लिया है, वही लेके पकाइएगा। हाँ, वो वाला बहुत अच्छा है। हाँ, क्योंकि चावल बहुत अच्छा रहना है, चावल का बहुत मैटर करता है बिरयानी में।